Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Ray Star Tea, a premium blend of high quality teas. Special in strong dust tea, mixture tea, red leaf tea and green tea. Available at all Kirana and supermarkets near 1 Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर में अचानक गैर मौसमी बारिश की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील हो गई और शहर महबूब नगर के रमैया बौली इलाके में रहमानिया पुल का पानी का रुख रमैया बौली की जानिब करने की वजह से घरों में पानी दाखिल हो गया और कई लोगों का सामान तबाह हो गया और साथ ही साथ न्यू टाउन इलाके के सेलार्स में भी पानी दाखिल हो गया। रमैया बौली इलाके की आवाम मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातब करते हुए कहा कि जब कभी भी बारिश होती है तो पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बारिश के रुकने के साथ ही अहदेदार इलाके का दौरा करते हैं, वीडियोग्राफी और फोटो कशी देकर चले जाते हैं। ये मसला अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है लेकिन इस मसले का आज तक हल नहीं हुआ है। आवाम अपना गम व गुस्से का इजहार करते हुए अहदेदारों से अपील की कि वो इस मसले को हल करे ताकि बारिश के मौसम में हम इन नुकसानात से महफूज रह सके। इस बारिश की वजह से सड़क को भी कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा और कई लोग गिर पड़े। हमारे नुमाइंदे अजहर खान ने रमैया बौली के महला जात का तफसीली दौरा किया और वहां के हालात को अपने कैमरे में कैद किया। नाजरीन, हम गुज़िश्ता 2 साल से बारिश के मसाइल को हमारे चैनल पर नशर कर रहे हैं लेकिन अहदेदार तस से मस नहीं हो रहे हैं। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इसका सख्ती से नोट लेकर इनके मसाइल को हल करें। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा भाई, मेहरबानी करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालिए। पानी, दुनिया का पानी इधर आ जा रहा, चलने फिरने मुश्किल हो रहा, ऑफिसों को, दुकानों, कारोबार को जाना कैसा जाना, थोड़े से बारिश की वजह से इतना मुश्किल हो रही है। अब रात में कितना बारिश आया बोलिए, अब शाम में, अब फजर के टाइम पर थोड़ा बारिश आया उसमें इतनी तकलीफ़ हो रही। मेहरबानी करके कलेक्टर साहब या मिनिस्टर साहब तवज्जो ले गए, कुछ ना कुछ इसका हल निकाले, मेहरबानी होती भाई। अस्सलाम वालेकुम, रामाय बोली से बात कर रहा हूँ। रामाय बोली का महला पूरा पानी में, गंदा पानी घरों में आ जा रहा है, इसके लिए कोई देखभाल नहीं है। म्यूनसिपाल्टी भी बेकाबू है, सब म्यूनसिपाल्टी के लोग भी आते हैं ऐसा देख के चले जाते हैं। आखिर रामाय बोली का हाल क्या करेंगे, पूरे घर गिरने के बाद बनाएंगे या कैसा? ये करेक्ट नाले बराबर नहीं बना रहे, कोई चीज़ नहीं बना रहे, लिहाजा हर मकानों में पानी है। आप देखिए पानी कितना मकानों से आ रहा है, गंदा पानी घरों में, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम कलेक्टर साहब तो भी कम से कम इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्पांस लेके अगर हम करें तो रामबली का ठीक रहेगा। और म्यूनसिपाल्टी के हमारे चेयरमैन साहब भी 2-3 खुद चेयरमैन साहब को भी बोले लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, इसके ऊपर गौर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर महबूब नगर के रामैया बौली इलाके में। कल रात हुए बारिश के बाद जो है हमारे टीम को मुसलसिल कॉल्स आने लगे कि हमारे इलाके में पानी अंदर दाखिल हो रहा है बोलकर। तो आज हमने यहाँ पर आकर यहाँ का इस इलाके का जायज़ा लिया और हमने देखा कि यहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो गया है। अगर से जब कभी भी मामूली सी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर से कोई इलाका होता है तो ये रामैया बौली का इलाका है। यहाँ पर बारिश पड़ते ही जो है ये पानी पूरा घरों में दाखिल होकर पूरी तबाह कर देता है घरों का पूरा सामान को। और यहाँ पर रामैया बौली की मेन रोड जो मिनी टैंकमेंट की तरफ जाती है वो भी सड़क जो है रास्ते में बीच में टूटने की वजह से लोगों को भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि कई ऑटो जो है उस सड़क के अंदर फंस गए, सुबह से ही जो है जाने आने के लिए पूरा मुश्किल हो रही थी और रात में तो ये पूरा रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी पानी की वजह से। ये ऐसे इस तरीके का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आप देखिए यहाँ पर घरों के पूरे बिल्कुल सामने इतना पानी आ गया है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कॉलेज को जाना चाहते हैं लेकिन बारिश की वजह से नहीं निकल पाते हैं। कई लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, वो लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने यहाँ के मनाजिर जो है हम हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं लेकिन हुकूमत है कि जो है उनके कान में जूं तक नहीं दौड़ती, वो इस जानी तवज्जो नहीं देते। बार बार हम इस बार रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ के मनाजिर को आपको दिखाए हैं लेकिन यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यही में इसके कुछ फासले पर मिनी शिल्पारामम और नेकलेस रोड का भी काम चल रहा है,
अभी मिनी टैंकमेंट का काम रात दिन हो रहा था, हम देख रहे थे कि रात दिन इसको काम को करते हुए आगे लेके जा रहे थे काम को, अभी पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया और ये पानी डाइवर्ट करने की वजह से जो है ये घरों में दाखिल हो रहा है। उसके बाद जब कभी भी पानी घरों में दाखिल होता है, बल्दिया के वर्कर्स आके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पाते। अब यहाँ के लोगों का देखिए क्या हाल हो रहा होगा, यहाँ पर पूरा पानी जो है नाली का पानी पूरा घरों में दाखिल हो रहा है, काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। मैं अरबाब मजाज से फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो इस जानिब तवज्जो दे, यहाँ के मसले जो भी है उसको जायज़ा लेकर इसका हल निकाले, क्योंकि कई बार ऐसे अहदेदार आते हैं देखकर फ़ोटो खींचकर चले जाते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ का काम कोई कराते नहीं है कि चादर से जो पानी होते हुए आ रहा है ये पूरे घरों में दाखिल हो रहा है। जो तमाम मनाज़िर जो है मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं अजहर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूबनगर। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।